राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा आज संविधान दिवस है और हम संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने ये संविधान निर्माण करके हर वर्ग हर समाज को अपने अधिकार दिए हैं और हम सबको मिलकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखिए आज संविधान दिवस है और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कि हम सब आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उन्होंने आज हमें ये संविधान निर्माण करके हर वर्ग हर समाज को अपने अधिकार दिए हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बाकी कोई कुछ बोले उससे अपना नहीं, अपना सबको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा आज संविधान दिवस का कार्यक्रम किया गया है। संविधान के अनुसार और संविधान की शक्तियों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है। हम संविधान के अनुसार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर जी के इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में जिस तरह से हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम संविधान दिवस का मनाया गया है और ये संविधान दिवस का 75वां जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है ये पूरे वर्ष चलने वाले हैं और जिस तरह से संविधान की रचना की गई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, मैं पूरी टीम के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए मैंने अभी नमन किया है और जिस तरह से इस कक्ष में इतनी बड़ी विशाल आकृति की हमारी मूर्ति डॉक्टर अम्बेडकर जी की, मैंने सबसे पहले उसमें नमन करता हूं और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि संविधान के अनुसार और संविधान की शक्तियों का प्रयोग करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आज सशक्त मजबूत बनाने का काम किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फॉरेंसिक विज्ञान और साइबर सुरक्षा की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी ये किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। एक शरीफ व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकता था, वो घर के बाहर आने से डरता था। 2021-2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी किसी से छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, एक शरीफ व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकता था, घर के बाहर आने में डरता था, दुर्दांत अपराधी और माफिया स्वच्छंद होकर के पैरेलल समानांतर सरकारें संचालित करते थे और दुष्परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने भी, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने भी पहचान का संकट था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा आने वाले 11 और 12 जनवरी को यूथ महोत्सव को विकसित भारत यंग लीडर संवाद के रूप में मनाया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में माय भारत द्वारा पूरे भारत में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी भाग लेंगे। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक माय भारत प्लेटफॉर्म पर क्विज प्रतियोगिता शुरू हुई है। 11-12 जनवरी यूथ फेस्टिवल को इस बार विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के रूप में मनाया जाएगा। ये 2 दिन के कार्यक्रम में सारे देश में से माय भारत के द्वारा आयोजित क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेंट करने वाले यूथ उसमें जो सक्सेस रहेंगे वो भाग लेंगे। 25 नवंबर से 5 दिसंबर यानी कि 10 दिन के लिए क्विज कंपटीशन माय भारत प्लेटफॉर्म पर ओपन हुई है। देश के सभी यूथ विकसित भारत के लिए अपने विचार को प्रधानमंत्री जी के सामने रखने के लिए विकसित भारत और माय भारत प्लेटफॉर्म पर आयोजित क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और विकसित भारत में अपने विचार को साझा करें। संभल में पथराव की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, यहां अपराधियों के लिए जगह नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा प्रदेश को, देश सब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश है,
अब यहाँ अपराधियों का दहशतगर्दों की जगह नहीं है, ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये भारत भारतीयों का भारतीय संस्कृति है और सभी जाति सभी धर्म को ताल नहीं मिला। ये राम राज का मतलब सबको सुखी का राज है। हम बिना भेदभाव के अगर हम अनाज इलाज सब मकान दे रहे हैं तो इस तरीके से न्यायालय के आदेश का अनुपालन में अगर शासन सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो न्यायालय होता ना, वो तो संविधान से सर्वोपरि है। अगर कोई न्यायालय ने निर्देश दिया तो उसका अनुपालन करना अधिकारियों का काम है। अगर कोई इसमें आपत्ति है तो न्यायालय में लोगों को जाकर दर्ज कराना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। और धीरे धीरे हम लोग पूरे प्रदेश में शांति रहेगी, अब आगे कहीं कोई